असल हदफ उसका यहाँ नहीं है, असल हदफ उसका आखरत है। परवरदिगार कुरान में इरशाद फरमाता है कि इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि अल्लाह ही की तरफ से तुम आए हो और अल्लाह ही की तरफ लौटे जाना है। इस आने और जाने में खुदा ने ये नहीं कहा कि बहुत ज्यादा यहाँ रहना है, आए हो जाना है, तो फिर इतना दिल क्यों लगा रहे हैं? जहां से आए हैं वहां का पता होना चाहिए और जहां जाना है वहां का। ये थोड़ी देर का अरसा, जिसे परवरदिगार कुरान में कहता है, बाकी हयात है इंसान, परवरदिगार कहता है कि मैंने मौत और हयात को खल्क इसलिए किया कि मैं तुम्हें आजमाऊं कि तुम में अच्छा अमल किसका है। बस ये थोड़ी देर जो है ये आजमाइश है, और आजमाइश में आसाइश नहीं होती। आजमाइश आजमाइश है, इम्तिहान है। आप लेबोरेटरी में टेस्ट कराने जाएं, कोई भी टेस्ट कराना तकलीफ होती है। खून देना, एक्सरे कराना, एमआरआई कराना, एंजियोग्राफी कराना, क्यों है? आजमाइश है। थोड़ी देर तहम्मुल क्यों करना पड़ता है? नतीजे की फिक्र की वजह से। ये दुनिया आजमाइश है, यहां तकलीफ होगी, यहां दर्द होगा, यहां रंज में रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नतीजा कहीं और है। नतीजा यहाँ खुश ना हो। अब इंसान लेबोरेटरी में जाए, बोले वो बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह एसी चल रहा है, पर्दे बड़े अच्छे लगे हुए हैं, यहीं रह जाएंगे क्या?
तो बोला भाई जल्दी जल्दी टेस्ट कराओ निकलो। तो यहाँ फिर क्यों दिल लगा रहा है? ये टेस्ट है, इस टेस्ट में दिल क्यों लगा लिया आपने? उसी में सारी जिंदगी खत्म हो गई है। एक दूसरे से नाराजगियां, एक दूसरे से नफरतें, दिल में हसद, कीना, बोझ, यहाँ रहने ही जब नहीं है तो नाराजगी किस चीज की? आपने यहाँ रुकना ही नहीं है। अब आप बस में सफर कर रहे हो यहाँ से इस्लामाबाद मसलन, और थोड़ी देर के लिए बैठे हो और उतरे कहीं किसी स्टॉप पे, और थोड़ी देर नमाज पढ़नी हो, चाय पीनी हो, अब वहां आपकी चाय अच्छी ना हो तो क्या आप वहां रुककर उससे बहस करते रहेंगे? उन्हें टम नहीं है, बस वाला कह रहा निकलो निकलो, देर नहीं हो रही, दूसरी चाय का भी वक्त नहीं है। तो जहां जिंदगी पलक झपकने के बराबर हो, उसमें बेटा बाप से नाराज है, मियां बीवी से नाराज है, बहन भाई जमीन के टुकड़ों की वजह से नाराज है, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये क्या कि गड़बड़ हमारी मारिफत में है। हमें दुनिया की हकीकत वाजे नहीं हो पाई हमारी, दुनिया है क्या, दुनिया किस लिए बनाई गई? बाद में कहते मौलाना साहब दुआ करें जिंदगी सकून होता, जिंदगी में कोई मुश्किल ना हो, जिंदगी में कोई परेशानी, ऐसा मुमकिन नहीं है। शख्स है सदर इस्लाम के अंदर, बहुत इसरार करता था रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफा रसूल की खिदमत में बहुत इसरार करता, या रसूलुल्लाह हमारे घर पे आए, दस्तरखान पे आए, अरे मोहब्बत करते, हमें भी लोग मोहब्बत करते हैं, खाना खाने आए, ये खाने आए, हम तो कोशिश करते हैं एक दिन में तीन चार भी खा ले, मगर फिर भी पूरा आदमी नहीं कर पाता लोगों को, लोगों की मोहब्बत है। वहां रसूल हबीब किबरिया, वहां शख्स इस तरह रसूल खुदा चले गए खाने पे, जैसे ही बैठे तो दीवार से ऊपर मुर्गी बैठी हुई थी, मुर्गी ने अंडा दिया, अंडा नीचे की तरफ आया दीवार से, लोगों ने तरफ देखा तो वो रस्ते में कहीं फंस गया, तो उसने कहा कि परेशान ना हो, घबराए नहीं, मेरा आज तक कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। रसूल खुदा दस्तरखान से उठ गए, कहा जिसको कभी खुदा किसी मुश्किल में ना डाले, इसका मतलब है खुदा ने उसे उसके हाल में छोड़ दिया है। कहा मैं ऐसे के दस्तरखान में नहीं बैठ सकता जिसके ऊपर कोई मुश्किल ही ना आए। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि इंसान दुनिया में हो और उसको मुश्किल ना आए, परेशानी ना आए। तो देखिए जिंदगी थोड़ी देर के लिए, बाज़ औक़ात लोग हमें मैसेज होते हैं आपकी भी बहुत परेशानी है, खूब यकीनन वक्ती तौर पर दर्द में तकलीफ तो होती है, जब आपका ऑपरेशन हो तो तकलीफ तो होगी, जब तक जो है वह एनेस्थीसिया दिया हुआ है तो इंसान बेहोश है, जैसे ही होश में आता है तो उसको दर्द तो होता है कि हाँ यहां से काटा वहां से पीटा इंसान को, दुनिया ऐसी है। लेकिन यहां पर इंसान थोड़ी देर है, कोई मर जाए सबने मरना है, बाज़ औक़ात किसी को कोई मर जाता है वो खुद मरने की कोशिश करता है, किसी के मरने से दुनिया रुकती नहीं है, जितना जैसा भी हो सबने ही एक दिन जाना है, मैंने भी जाना है आपने भी जाना है, तो आदमी उस पर अपने आप को दिल में लेके बैठ जाए। जिंदगी में परेशानी है, सेहत का मसला है, किसी की औलाद का मसला है, औलाद नहीं हो रही मौलाना साहब, खुदा की मसलहत है, खुदा बेहतर जानता है किसको क्या देना है। कोई इसरार करता है बहुत कि मुझे ये मिल रहा है, मुझे ये मिल रहा है, बहुत इसरार, जाने मोहतरम खुदा बेहतर जानता है आपको क्या देना है और क्या नहीं देना है। जो मिला हुआ है उस पर शुक्र करो। खुदा कुरान में फरमाता है इरशाद के जो तुम्हें मैंने दिया है नेमतों पर शुक्र करो, मैं नेमतों में इजाफा करूंगा। लेकिन यहां इंसान छोटे बच्चे की तरह जिद्दी, ये भी चाहिए वो भी चाहिए ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये नहीं देख रहा
कि हमने उसे कितना कुछ दिया है, वो खुदा की बारगाह में मुतवज्जे नहीं है। और इस थोड़ी सी जिंदगी में उसने अपनी ख्वाहिशात इतनी बढ़ा ली है, इतनी बढ़ा ली है, लेकिन इंसान मुतवज्जे नहीं है। इंसान खुदा के उस रहमानियत की तरफ निगाहें नहीं है उसकी। जो नहीं है उस पर शिकवे हैं, और जो है, अब आप मैं अपने आप को तो नहीं कह सकता, मैं अपने आप को कहूं, मेरे भी बड़े शिकवे ही होता है। हर इंसान का शिकवा भी अलग है। शिकवा क्या है? अज़ाने मोहतरम, मेरा अपना शिकवा होता है, ये है वो है, वक्त नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। अभी जब कोई मजलिसें नहीं देता था तो बैठे हुए सोचते थे कि भाई कोई मजलिस पढ़वा ले। अब हमारे अलग शिकवे हैं कि अल्लाह ताला इतने लोग पढ़वा रहे हैं, वो आराम भी मिल जाए। शुक्र आदमी नहीं करता, कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। अब मैं कहता हूँ कोई टाइम मिल रहा है आराम करने का, सोने का, खुदा है उस वक्त तो यही मांगते थे मैं मसरूफ रहूं। अब जब मसरूफियत दे दी है तो अलग तुम्हारे शिकवे शुरू हो गए। आदमी हर हाल में मुश्किल में, वो उस पर शुक्र नहीं कर रहा जो उसको दिया हुआ है। मैं इस पर शुक्र नहीं करता कि परवरदिगार तूने मुझे सालिम बदन दिया हुआ है, तूने मुझे सुबह दी, मैंने सुबह तेरी इबादत की है, मेरी सुबह तेरे सजदों से शुरू हो रही है, ये शुक्र है। कितने लोगों को उसने तौफीक दी है कि उसको सजदा करें, कितने लोगों को तौफीक, कितने लोगों को तौफीक है कि वो हलाल निवाला खाते हैं। तो हम इस पे शुक्र नहीं करते, हमारे शिकवे कुछ और हैं, हम उसको पहचानते नहीं वो कौन है। नादिर बादशाह जो जिसने हिंदुस्तान को भी फतह करने के लिए निकला, और जितने बहुत सारे उस जमाने में चीजें ली उसी ने लिए, बहुत शुजा था, आखिरी जमाने में आके थोड़ा उसका जहन खराब हो गया था, लेकिन इतना शुजा था कि जब हिंदुस्तान जा रहा था तो आगे चलता था, यानी पीछे नहीं चलता था कि आगे फौज चले, आगे आगे सबसे आगे फौज होता था। वो एक शहर से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक बच्चा मदरसे से कुरान पकड़ के भाग रहा है, दौड़ता हुआ जा रहा है। उसने बोला कि कहाँ जा रहे हो? बोला कि घर जा रहा हूँ। कहा क्या, कहाँ? कहा कुरान पढ़ के आ रहा हूँ। कहा क्या पढ़ के आ रहा हूँ? कहा बिस्मिल्लाह इन्ना फतहना सूरह नसरुल्लाह सूरह की जो है वो तिलावत की उसने। जब उसने ये फतह का लफ्ज़ सुना तो उसने इसको अच्छा फाल लिया कि ये अल्लाह की तरफ से मेरे लिए नेक फाल है कि मैं जा रहा हूँ, मैं फतह कर लूंगा। खुश हुआ, कहा ये लो इधर आओ। उसको एक दीनार दिया, सोने का सिक्का। बच्चे ने लेने से इनकार कर दिया। कहा क्यों नहीं ले रहे? कहा मैं घर जाऊंगा, मेरी माँ बोलेगी चोरी करके लाया हूँ। तो कहा नहीं, तुम माँ को बोलना नादिर ने दिया है। कहा नहीं, मेरी माँ नहीं मानेगी। कहा क्यों? कहा मेरी माँ कहेगी नादिर अगर तुम्हें देता तो एक नहीं देता पूरा। बादशाह है, बादशाह एक सिक्का देगा, वो तो पूरे तुम्हें सिक्के देगा। जाने मोहतर, और वो जो है कायनात का खालिक, उससे मांगते रहे जिसे चाहता है बगैर तरबियत। उसकी बारगाह में मांगे, और ये जो हम मांग रहे हैं ये फिर यहीं के लिए थोड़ा मांग रहे हैं, घर दे दे, गाड़ी दे दे, आजकल तो लड़के कहते मोबाइल दे दे, सरवाना वो भी ऐसा थे जिसके पीछे तीन कैमरे लगे हुए हो, दूर से देखने वाले को पता चले। असल में उसकी तस्वीर नहीं खींचनी होती, उसको ये बताना होता है कि मोबाइल कौन सा है। खुद पसंदी इतनी ज्यादा आ गई है, ये हम जो भी मांगते हैं बुरा नहीं है, आप अच्छा खाएं कमाएं, जो अल्लाह ने आपको स्टेटस दिया है आप रखे, लेकिन मांग क्या रहे उसकी बात से, और कितना थोड़ा मांग रहे।
अल्लामा तकी जाफरी रिजवानुल्लाह ताला अलैह कि जो मशहद मुकद्दस में मौला इमाम रजा अलैह सलाम व सलाम इमाम के हरम में उनका मरकज मुबारक है अपने जमाने के और आज तक बेहतरीन फिलोसफर है। अभी भी उनकी किताब खोलते हुए मुझे घबराहट होती है कि जबान तो आती है लेकिन इल्म इतना ऊपर है कि अभी तक समझ नहीं पाता कि क्या लिखा है उसके बारे में। इतना ऊपर इंसान वो कैसे इंसान इस तजल्ली को हासिल करता है जाने वाले कोई और नहीं। मैं जवानों को कह रहा हूं खासतौर पर कि हम जिनके मानने वाले हैं वो बाबे इल्म है और वहां हर दरवाजे से हजार दरवाजे खुलते हैं लेकिन शर्त यह है कि दरवाजे में दाखिल तो हो। अल्लामा अमीनी कहते हैं कि मैं जर्मनी में बर्लिन में एक यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस थी मैं वहां गया। कॉन्फ्रेंस थी इंसान की कदर व कीमत क्या है। हर कोई अपना लिटरेचर लेके आया हुआ हर किसी ने तकरीरें की और उठ के चले कि जब मेरी बारी आई तो मैं ऊपर गया और मैंने एक जुमला कहा बस खाली कहा इंसान की कीमत उसका इरादा है। फिर उन्होंने कहा कि अगर इंसान की कीमत दो कमरे का घर है उसकी इरादा उसकी कीमत ही है। अगर एक लोहे की गाड़ी उसकी जिंदगी में उसका इरादा है उसकी कीमत क्या। ये कहकर मैं नीचे आ गया लोग खड़े हो गए लोगों ने बोला कि मतलब क्या इंसान की कीमत बताई आपने। तो फिर दोबारा गए कहा ये मेरा कॉल नहीं है ये 1400 साल पहले रसूल के वसी ने फरमाया था। सुबह उठ के क्या है जवान का जहन खलवत तन्हाई में क्या इरादा है इंसान का। खुदा ना खास्ता किसी नामहरम से गुफ्तगू करनी है कोई हराम तस्वीर देखनी है ये कीमत है तेरा इतनी सस्ती कीमत इतने बड़े बाजार में कि जहां खरीदार खुदा हो अपने आप को इस काबिल करो कि तुम्हें दुनिया न खरीद पाए तुम्हारा खरीदार खालिक बन जाए। क्या बात तो अपने आप को इस काबिल लेकर आओ। एक तस्वीर के पीछे चैट के पीछे एक टिकटॉक के पीछे एक इंस्टाग्राम के पीछे अपने नफ्स को मत बेचो तुम्हारी कीमत ये नहीं है। मौलाना मुत्तफियान इरशाद फरमाते हैं कम से कम तुम्हारे नफ्स की कीमत जन्नत है। कम से कम बहिश्त बहिश्त रिजवान जो आला दर्जा और आला मकाम है और सबसे बड़ा मर्तबा बहिश्त में कि जहां पर जन्नत की नेमतें भी तकाजा करेंगी कि काश हमें वो देखे वो कौन है वो असहाब इमाम हुसैन। जन्नत तकाजा करेगी इधर देखो हमारी तरफ देखो मगर वो नहीं देखेंगे वो कहेंगे हमारी जन्नत हुसैन है। तो हम अपने आप को लेके जाने मतलब हम इस दुनिया में अपने आप को क्या कर रहे हैं वो हमें अपनी जिंदगी कैसे गुजार रही है जहां थोड़ी देर रहना है वहां दिल अब रहना कैसे है कैसे रहे फिर मौलाना साहब रहे कैसे थोड़ी सी जिंदगी है इसमें रहे कैसे। और कहा जैसे अल्लाह और उनके रसूल और उनके इमामों ने बताया है वैसे रहो क्योंकि दुनिया उन्होंने बनाई है हमने नहीं बनाई। अपनी इबादतों को देखो वाजिबात हराम से अपने आप को बचाओ बस ये दो काम कुछ नहीं चाहिए तीसरा। आज के दौर के अंदर अगर इंसान वाजिब अदा कर ले कमाल किया उसने। वाजिब क्या है नमाज वाजिब है नान नफका हलाल वाजिब है खातून के लिए हिजाब वाजिब है रोजा वाजिब है
खुम्स और ज़कात वाजिब है, खुम्स जिस पर जो जो बनती है वाजिब। हराम, अब कुछ भी हराम हो, कोई लफ्ज कोई बात हराम है मत बोलो, कोई तस्वीर देखना हराम है मत देखो, कोई चीज सुनना हराम है मत सुनो। मगर मसला यही है कि दिल इतना दुनिया में खो गया है, हलाल और हराम मिल गया है, मिल गया। आज पता ही नहीं है हराम क्या है, आज माशरा उस नहज पे चला गया है कि हराम पता ही नहीं है, लुकमा हराम हो रहा है पता ही नहीं है, घरों के अंदर फैमिली के अंदर महरम नामहरम का फर्क खत्म हो गया है। अभी आप किसी बोलो बेटा ये महरम नहीं है, इसके सामने हिजाब में आओ, बच्ची अजीब से हो जाते हैं क्योंकि घर वालों ने सिखाया नहीं है। बेसिक जो है माशरे का वो हिल गया है। फिर माशरा कहता है जी मौलाना साहब के आसमानी बातें करें, जमीनी बात तो हल कर ले करें, उसके बाद आसमान पे जाएंगे। जाने बहुत कराऊ आप, हम देखें हम अपनी नमाज और इबादत में, हम अपने वुजू को सही करने में कितना अपने उलमाओं से रुजू करते हैं। मौलाना साहब बैठे हुए, अब मौलाना साहब में कितने लोग आते होंगे ये पूछते होंगे, इसमें शर्म की क्या बात है भाई, जिसका वुजू सही नहीं वो 100 टकरे मारता रहे, वुजू सही नहीं, छोटी छोटी सी चीज है ये। अब तिलावत जिसकी सही नहीं हो, दो सूरतों की जो नमाज में पढ़ता है जिक्र के अलावा सूरत, उसकी तिलावत कैसे होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, तलफ्फुज अदा होना चाहिए। जोहर असर में आहिस्ता पढ़ना है, कितना आहिस्ता पढ़ना है, इख्फा कैसे करना है, मगरिब इशा की नमाज में ऊंचा बुलंद पढ़ना है, कितना बुलंद पढ़ना है। मैं अक्सर देखता हूं लोग तवज्जो ही नहीं देते, जिसकी इतनी जो रोजमर्रा की इबादत है वो कबूल ना हो पाए तो वो कहां जाएगा। रोजे कयामत में तो एक एक नमाज का सवाल किया जाएगा। ये जब से बेटा बच्चा बालिग होता है, जब इन 14-15 साल में लड़का बालिग हो जाता है, अब बालिग हो गया नमाज वाजिब है, रोजा वाजिब है, सब वाजिब है, अब उस दिन से उसकी डायरी खुल जाती है ऊपर, और डायरी खुल गई पहली नमाज कैसे पढ़ी थी, ये क्यों किया, ये क्यों किया, ये क्यों किया, एक दिन की नमाज में कई दिन लग जाएंगे वहां खड़े होके। सस्ता टिकट नहीं है जन्नत में जाने का, जो हमारे यहां मेंबर में बहुत तेजी तेजी में लोगों को जन्नत भेज देते हैं, जाने बहुत करो। अगर इतना सस्ता होता तो सही तो शहदा अपने खानवाने को लेकर करबला ना नहीं, तीरों के साये तले सजदे ना किए जाते। इमाम थे, हम जैसे कहते हैं जी मौला आएंगे हम निकल जाएंगे, तो खुद मौला क्यों नमाज पढ़ रहे, मौला क्यों नमाज पढ़ो, जब मौला हमें निकाल रहे हैं तो मौला खुद भी निकल जाएंगे। मगर नहीं, इमाम जानता है तौहीद किसे कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह किसे कहते हैं, वो उस अम्र जो अम्र इलाही है उसकी तरफ हिदायत देने के लिए आया है। इमाम को समझे जाने को, मुश्किल काम नहीं है, रोजमर्रा की जिंदगी है, थोड़ी सी इबादत है, यही सही होगी तो इमाम आएगा। हम जो इमाम को दावत दे रहे हैं मौला आ जाए, मौला मौला कहां है, मौला किसके पास आए, आप मुझे बताएं इमाम किसके घर पर आए। मैं तो अपनी जिंदगी में इतना मसरूफ हूं, मेरे पास तो टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। लोग हमें मैसेज करते हैं मौलाना साहब आप जवाब नहीं देते, मौलाना कुछ को जवाब दे, तो मैं कहता हूं टाइम नहीं है, फंसा हुआ हूं अपनी जिंदगी में। इमाम किसके पास आए, क्या मैंने अपने आप को उस काबिल किया है कि मैं अपना सब कुछ छोड़कर अपने इमाम पर कुर्बान कर दूं। ये एक दो दिन में तो नहीं होगा, इसकी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
इंसान जब कोशिश करेगा तो उसकी तरफ जाएगा, अपने आप को पाक करेगा उस तरफ जाएगा। आयतुल्लाह शम्सुद्दीन अपनी किताब में एक वाकया बयान करते हैं, सोचे इंसान एक लुकमा कितना इंपॉर्टेंट होता है। एक शख्स बहुत परेशान था, उसको औलाद नहीं होती थी, उसने हर जगह गया, बड़ी दुआएं की, हर जगह सब कुछ किया, औलाद आखिर उसे पैगाम दिया फलाने शहर में जाओ, फलाना शख्स की दुकान को ढूंढो और उसके पास जाकर अपनी। खैर गया, देखा बड़ी छोटी सी दुकान है, शख्स है जो तलाइयों को सीता है, छोटी सी दुकान है। वहां जैसे गया उस शख्स ने कहा कि जाओ तुम्हारा काम हो गया। बोला अभी तो मैं आया, मैंने पूछा ना, कहा नहीं, बस जाओ। खैर उसने बोला कि मैं रुकता हूँ, मेहमान हूँ, मैं एक रात आपके पास रुकता हूँ। रुका, उसने खाना खिलाया, कहा उसने रोटी और दही खिलाई, कहा इतनी लजीज खाना मैंने कभी नहीं खाया था। फिर मैंने उसे कहा कि मेहमान होते हुए इतना तो मेरा हक है कि मैं आपसे पूछूं कि ये मकाम आपको कैसे मिला, कि आपने बदल मेरा नाम पूछा ना, मेरी सवाल पूछा, कहा काम हो गया, जाओ चले जाओ। कहा छोड़ो, रहने दो, तुम्हारा काम हो गया ना, चले जाओ। कहा नहीं, मुझे पता है, कहा जब तक मैं हूं जिंदा तो ये बात अपने तक रखना। कहा कि मेरी दुकान के सामने मेरे दौर पुराना था और जालिम हुकूमत थी, तो कोई अफसर था, उसका निगहबान जो था, जो चौकीदारी करता था, वो जवान लड़का था। कहा उसने मुझे गंदुम लाके दे दी थी, कहा कि मैं इसकी रोटी नहीं खाऊंगा अपने जिसकी मैं नौकरी करता हूं, जालिम शख्स है, मेरी गंदुम तुम्हारे पास है, मुझे बस सिर्फ दो रोटियां रोज बना लेना। एक दिन उसने मेरे पास आया, कहा कि मैं कुछ दिन बाद चला जाऊंगा। कुछ दिन बाद खबर मिली कि मस्जिद में बीमार है, मैं पहुंचा, उसने कहा कि दो लोग आएंगे तुम्हारे पास मेरे जनाजे का, तुम कफन दफन कर देना। ऐसे ही हुआ, मैंने उसका जनाजा किया। वो दो में से रात को फिर मेरे पास आए, मुझे कहा कि हम तुम्हें लेके जाएंगे कहीं जाना। मैं बाहर निकला, शहर से बाहर रेगिस्तान नहीं था, हरियाली थी, मैंने कभी जगह देखी नहीं। मैंने देखा कि एक नौरानी शख्सियत खड़ी हुई है और कुछ लोग अतराफ में खड़े हुए हैं और बातें करते करते उन्होंने कहा कि उस जवान की जो नौकरी थी वो इस शख्स को दे दो। तो मैं बड़ा घबराया, मैंने कहा नहीं, मुझे वो नौकरी नहीं करनी वो जो करता था। कहता नहीं, वो नौकरी नहीं, ये नौकरी इमाम की नौकरी है, इमाम की नौकरी। कहा वो देने और आज का देने, मैं इमाम की नौकरी करता हूँ, मेरे पास इमाम जिसको भेजते हैं मैं उसका काम कर देता। अजाने मौला, जाहिर छोटा हो, देखने में सादा हो, अगर हलाल जिंदगी है तो इमाम इंतखाब कर लेता है, इमाम इंतखाब। तो हमारा असल हदफ क्या है जिंदगी का? हमारी जिंदगी का असल हदफ आखिरत है, ये दुनिया नहीं है। जाने मोहतरम, हम अपनी इबादतों को जाया कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंसान जो है वो दूध में सिरका डालना बर्बाद हो जाए। हम इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, मजलिस में आते हैं, लेकिन यहां से जाएंगे किसी की गीबत करेंगे, किसी की बुराई करेंगे। आप टेस्ट कर लीजिएगा यहां से जाने के बाद, एक घंटा किसी की गीबत ना करेगा, वो मजलिस सही नहीं कराता, मैनेजमेंट सही नहीं था, फलाना ये नहीं था, वो नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, वो भी मजलिस में आई थी, यूं साइड में बैठ गई, जगह भी नहीं थी, उन्होंने धक्का दे दिया मुझे। इबादत जाया, शहद में सिरका डालने के बाद बढ़ जाता था, हम खुद अपनी इबादतों को जाया करते थे। खुदा का कसम, खुदा क्या करे, खुदा ने जहन्नुम बनाई इसलिए थोड़ी है, हम खुद अपनी जहन्नुम तैयार करते हैं। वो एक जवान कि जिसकी किताब भी है 3 मिनट कयामत के, उर्दू में किताब प्रिंट होगी, 100 सफे की किताब है, उसको पढ़े, जिसे 3 मिनट में डॉक्टर फैसला कर रहे थे लेकिन वो कोमा में चला गया और उसने आलम बरज़ख देखा। उसमें उसने देखा कि जैसे गया, हिसाब किताब है, फाइल खुली हुई है, देखा अच्छा नमाज ये वो सब, रात को देखा सारे आमाल किताब से उड़ रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं। दूसरे दिन फलाना काम किया, मदद की लोगों की, मातम किया, सब कुछ किया, रात को देखा फिर अमाल उड़ गए।
उसने पूछा उससे कि मेरे अमाल कहाँ जा रहे हैं। कहा रात को जो तुम जिसकी गीबत करते थे ये सारे अमाल उसके हिस्से में चले जाते हैं, खाली हो जाता है। इंसान आपस में नफरतें लिए बैठा है, चार दिन की जिंदगी है, आप परेशानी देखें, आप आज डिप्रेशन देखें, आप जवानों को मायूसी देखें, आप उसकी सबसे बड़ी वजह हमारी ज्यादा तवक्कुआत है। क्योंकि माशरा मेटलिस्टिक है, दुनिया मादी है, और ये मादी दुनिया आज सोशल मीडिया के जरिए से हमारे हाथों में आ गई है। पहले तो हमें नहीं पता होता था वहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, अब सब हमें नजर आता है, सब हमें दिखाया जाता है। अब हमारी तवक्को बढ़ गई है। जब इंसान की तवक्कुआत बढ़ जाती हैं और वसाइल उसके कम होते हैं, मायूस होना शुरू हो जाता है। मुझे ये क्यों नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा। तो आप मेहनत करें, आप तालीम हासिल करें, आप अच्छा तालिब इल्म बने, आप अच्छी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बने, मेहनत तो करें। आप जब मेहनत कर कर पढ़ेंगे नहीं तो फिर आप कहां पास होंगे। हम अपने आप को आजमाइश में नहीं डालते। कल भी मैं मजलिस में कह रहा था कि हम सबको इमाम ज़माना का सिपाही बनना है, लेकिन हमारी मार्कशीट मैट्रिक की है उसमें भी हमारे सी डी ग्रेड है। मतलब इन्हें खुदा ना खास्ता में किसी की आनत कर ना, मतलब आप सोचे कि जहां मुझे मेहनत करनी चाहिए वहां मैं मेहनत कर सकता हूं, और जब मेहनत कर कर एक जगह रिजल्ट दूंगा तो दूसरा फिर मुझे इंतखाब करेगा ना। वो के इमाम नीयतों को देखता है, इमाम इरादों को देखता है, लेकिन इमाम को जाहिरी तौर पर भी तो कामयाब शख्स चाहिए, कामयाब शख्स चाहिए ना, जाहिरी तौर पर भी तो वो कामयाब हो। और ऐसे दीन और ऐसे अकीदे का क्या फायदा जो आपको जाहिरी तौर पर भी कामयाब ना कर सके, और आप अपनी एक अजीब सी हालत बना के शहर में घूमते रहे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जाने मोहतरम इमाम क्या फरमाते हैं, हजारों में रहो मगर अलग से देखो, और हमारे लिए जीनत बनो, जीनत। लोग तुम्हें देखें तो बोले कि कितना अच्छा इमाम का चाहने वाला है। आप कैसे आप तो ये राबता मुहिम है, ये जिंदगी थोड़ी सी, इसमें अपने आप को हल्का करें, गुनाहों को राबतों को हल्का करें। जितने हल्के होंगे उतना आसानी से दुनिया से जाएंगे। जाना सबने है, आज नहीं तो कल, और जहां जाना है वहां की तैयारी जरूरी है। आखिरत जो है वो बाकी रह जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, वैसे खत्म हो जाएगी। इस दुनिया ने क्या देना है इंसान, अंबिया को दुनिया ने क्या दिया, औलिया को दुनिया ने क्या दिया, दुख और तकलीफ है। बेहतर है कि हम भी अपने आप को इस दुनिया से काट दें और खुदा की तरफ बढ़े, उस इबादत की लज्जत को हासिल करें, आइम्मा अलैहिस्सलाम से तवस्सुल करें। इमाम मेहरबान है, इमाम रऊफ है। इमाम रऊफ का तो मुझे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का आपकी जहमत तमाम। शख्स का बेटा बहुत शख्स मरीज था, शख्स बैंक करप्ट हो जाता है, पैसे उसके पास नहीं होते, बहुत मुश्किल में होता है, बहुत परेशानी में होता है, तो उसके जहन में आता है कि मैं मौला की दरा की ज्यारत पे जाऊं, शायद मौला मेरे लिए दरवाजा कुछ खोल दे। मगर ज्यारत पे जाने के भी पैसे नहीं थे। खैर वाइफ ने कहीं से कर्ज लेकर उसकी जोजा ने उसे पैसे दिए, वो ज्यारत में मस्जिद जाता है, ज्यारत कर कर आता है, जहां जूते रखे होते हैं वहां जाने लगता है, तो जेब में हाथ डालता है तो जो वापसी के पैसे थे वो भी गिर गए या किसी ने निकाल लिए। अब मौला से वापस जाता है, जरी के पास खड़ा होकर कहता है मौला मैं तो आपसे पैसे लेने आया था, जो मेरे थे वो भी चले गए।
अब मैं वापस कैसे जाऊंगा। ये कहता बाहर आता है तो पोंख में एक सिक्का पड़ता है, नजर आता है, उठा लेता है, जूते लेता है, बाहर जाता है। अब जाहिर है आबरूमंद है, इज्जतदार है, किसी से भीख भी नहीं मांग सकता, तो सिक्का इसके पास होता है। तो वहां पर टेलीफोन बूथ लगे हुए, तो उसके जहन में आता है कि मैं सिक्का डाल के ना टेलीफोन करता हूँ, रैंडम ऐसी किसी का नंबर मिलाता हूँ, वो तो मुझे नहीं जानता, और उसे अपनी मुश्किल बताऊं, बस एक सिक्का डालता है, एक नंबर मिलाता है, नंबर मिलाता है और बताता है कि भाई मैं यहाँ आया था, मैं मांगने वाला नहीं हूँ लेकिन मैं मुश्किल में हूँ, मुझे वापसी का किराया चाहिए। वो शख्स पूछता है कहाँ खड़े थे, कह रहे यहाँ, कहा बस वही इंतजार करो कुछ देर तक। कहता थोड़ी देर में ना एक बहुत बड़ी गाड़ी आती है और मुझे वो कहता है आप हैं, कहा चले, फिर वो मुझे शहर के महंगे तरीन इलाके में ले जाती है, घर बहुत बड़ा अंदर घुसती है, तो देखता है सामने एक शख्स खड़ा होता है, मैं पहचान जाता हूँ कि यही शख्स था जिसे मैंने फोन किया। मुझे बिठाता है, खिलाता है, पिलाता है, उसका एक जवान सा बेटा आता है चाय लेकर, मुझसे पूछता है मसला क्या है, कहा मुझे किराया चाहिए, नहीं, कह रहा और क्या मसला है, कहा मेरा कारोबार था बैंक करप्ट हो गया, कहा कितने पैसे तुम्हारे लोगों को देने हैं, उस जमाने में बड़ी कीमत थी, कहा मुझे 100 मिलियन लोगों को देना है, चेक 100 मिलियन का काटता है, कहते ये लो, ये वापस नहीं देना मुझे, कहा तुम्हें नया कारोबार शुरू करने के लिए कितना पैसा चाहिए, कहता मुझे इतने चाहिए, फिर एक और चेक काटता है, कहा ये जब तुम वापस कर सको कर देना मुझे। अब वो परेशान होता है, कहता है माजरा क्या है, कहते ये आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, तो कहते है जवान लड़का देखा था कि चाय ले रहा, कहा मेरा अकलौता बेटा, कहा वो इतना शदीद मरीज हुआ कि यहां उसका इलाज नहीं हो सकता, मैं उसे इंग्लिस्तान ले गया, वहां उसके कुछ टेस्ट थे, अगर वो टेस्ट सही आते तो उसका इलाज हो सकता था, 5 या कुछ 4 टेस्ट थे, 1-2 टेस्ट हुए, टेस्ट सही नहीं आए, तो मुझे वहां पर जो नर्स था उसने कहा कि अगर ये आखिरी टेस्ट सही नहीं आया तो आपका बच्चा बहुत मुश्किल है, जवान बेटा था, मैं बाहर कहता हूँ हॉस्पिटल में बाहर निकला सहन में, मैं फौरन इमाम रजा से मुत्तसिल हुआ, मैंने कहा मौला रहता आपके शहर में हूं लेकिन इतना अच्छा जाहिर नहीं हूं जितना होना चाहिए, कोताही करता हूं लेकिन मैं आपकी बारगाह हूं, मेरे इस बेटे को सही कर दे, मैं आपके एक जाहिर को इतना पूर्ण करूंगा। कहा डॉक्टर दौड़ता हुआ आया लेबोरेटरी से, कहा कि ये टेस्ट तो सही आ गया, कहा दोबारा सारे टेस्ट कराए, कहा सारे सही है, कहा परेशान थे कि ये कैसे हो गया, मुआवजा बच्चा ठीक हो गया, लेकर कहा उस दिन से मैं हरम के गिर्द घूमता रहता था, कभी इंतजार करता रहता था कि वो एक जायर कौन है जिसे इमाम रजा मेरे पास भेजेगा। कहा जब आज तुम्हारा फोन आया तो मैं उसी इंतजार में था, इमाम ने मेरे पास जो
जामिन आहू हो, रऊफ है मेहरबान, तो हम अपने आप को उनकी बारगाह में लेंगे तो कैसे हो सकता है आप किसी आम आदमी का दरवाजा खटखटाए और वो आपकी मदद ना करे और आप इमाम का दरवाजा खटखटाए। हमें खटखटाना नहीं आता, हमें उनकी बारगाह में जाना है। जब भी बहुत मुश्किल आए इमाम रजा से तवस्सुल किया करे, उन्हें उनके बेटे इमाम तकी का वास्ता दिया करे। इमाम को बेटा अपना बहुत प्यारा था। इसी तरह माए सफर के दिन है, हजरत आला ने मोहतरम ये लुटा हुआ कारवां शाम पहुंच चुका है, शाम में जो हालात और वाकयात बताते हैं उस हिसाब से ज्यादा अरसा न लग पाया। खुदा आपकी बेटियों को सलामत रखे, सैयदुल शहदा को भी अपनी बेटी को कहती है। जब हजरत मुस्लिम शहीद हुए और जब इमाम को पैगाम मिला शहादत, इमाम जानते थे मगर इमाम इंतजार किया, जब इमाम को आकर बताया ना कि हजरत मुस्लिम शहीद हो गए, इमाम ने हजरत मुस्लिम की बेटी को बुलाया अपने करीब बैठाया, सर पे हाथ फेरा, प्यार किया। बच्ची बनी हाशिम की है, पहचान गई कि मामू जान बाबा जिंदा है क्या। अब ये एक बच्ची देख रही है कि जब कोई यतीम हो जाता है तो सरों पे हाथ फेरा जाता है, प्यार किया जाता है। बस अदादारा ने मौसम रोजे आशूर ये कानून बदल गया। फिर इस बच्ची के सर पे हाथ नहीं फेरा, ये बच्ची सुबह से देख रही है कि जो जा रहा है वो वापस नहीं आया। भाई अली अकबर गए, चचा अब्बास गए, वापस नहीं आए, हत्ता भाई अली असगर भी वापस। उसने देखा कि बाबा जा रहे हैं, मकासिद बयान करते हैं कि बाबा की सवारी से चिपक कर ये बच्ची खड़ी हो गई। इमाम नीचे उतरे, इमाम ने अपनी बेटी को गले लगाया, बच्ची ने कहा बाबा हमें मदीना वापस छोड़ा है। इमाम ने कहा बेटा देर हो गई है, खुदा आप तसव्वुर करें बेटियों वाले हैं, आप जब रोज घर से बाहर निकलते हैं छोटी बच्चियां बाप को बहुत प्यारी होती है, पूछती है बाबा कब वापस आओगे। और जो बेटी ये जानती हो कि अब बाबा वापस नहीं आएगा, अज़ादारन मकातिल कहते हैं कि जब सैयदुल शहदा गिरे हैं और इन्होंने इमाम पर हमले किए हैं, बच्ची ने अपने आप को अपने बाबा तक पहुंचाया, इन्होंने प्यार से बच्चे को नहीं उठाया, इन्होंने ताजे आनों इन्होंने तमाचों से बच्चे को दूर। अल्लाह अदादारा ने मोहतरम शाम में करीबा आई, बीबी जैनब बच्चों को गिन रही, देखा एक बच्ची मौजूद नहीं। मक्तल की तरफ बीबी गई, क्या देखा एक सर बुरीदा बदन पर बच्ची सो रही है। रात है, तारीकी है, बदन की हालत नहीं पता, बदन कैसा है नहीं पता। कहा बेटा क्या कर रही है, कहा बाबा के सीने पर सो रही है। आपको कैसे पता चल रहा है बाबा का सीना, कहा मैं बाबा बाबा कर रही थी, दो हाथ बुलंद हुए,
एलैया एलैया। अजादारम, अब ये बच्ची जो बाप के सीने पे सोती है, आप खुद तसव्वुर करें, 11 मुहर्रम को जब मक्तल के पास से गुजारा गया, बदनों की हालत ऐसी थी कि पहचान नहीं सकते थे। बीबी जैनब ने अपने आप को एक बदन पे गिराया, बदन किसका है, सर मौजूद नहीं है, खाक और खून में इतना है, घोड़ों की टापों ने पामाल कर दिया है, मगर जैनब जानती है खुशबू हुसैन की है। अब ये बच्ची ने देखा कि मेरी फूफी रो रही है किसी बदन पे, पूछती है फूफी जान ये किसका बदन है। अल्लाह ने मोहतरम हाथों में रस्सियां बंध गई, असीर बने और कूफा की तरफ। कूफा में सबसे पहले नेजों पर सर बुलंद हुए, बच्ची बाबा के सर को देख रही है मगर कुछ बोलती नहीं, हर जगह खामोश है। कई मकामात पर बीबी जैनब ने अपने भाई की तरफ इशारा किया, भाई अगर मुझसे बात नहीं करते मगर अपनी बेटी से बात तो करो। अजादारा ने कहा तो बच्ची खामोश है, शाम की मुसीबत अपनी जगह, शाम का बाजार अपनी जगह, बस आखिरी मुसीबत आराम से तमाशे दुआ। मकातिल कहते हैं कि जब दरबारे यजीद में सरे अकदस मुबारक सईद शहदा तश्त पड़ा हुआ था, ये लईन अहानत कर रहा था, खुदा उसको दुनिया और आखिरत में गारत करे, बस रोने के लिए जरूरी नहीं है कि आवाज आपके कानों में आए। अजादारा ने रोने के लिए एहसास चाहिए बस। मकातिल कहते हैं ये बच्ची अपनी फूफी के पीछे छुप छुप के देख रही है मेरे बाबा के सर के साथ क्या हो रहा है। अजादारा ने मोहतरम बस जैसे ही शाम के खराबे में आई, बच्ची ने रोना शुरू कर दिया, गिरिया शुरू कर दिया, इतना रोई बाबा 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 करती रही। यजीद लईन के कानों में आवाज आई, कहा आवाज कैसी है, कहा बच्ची बाबा बुला रही है, कहा जाओ बाबा दे दो। तश्त में सर आया, किसी बेटी के पास इस हालत में बाप ना आए। तश्त से कपड़ा हटा, अब क्या देखा, खाक में अटी जुल्फे हैं, चेहरे पर जख्मों के निशान हैं, होंठों पे ताजा छड़ी के निशान थे। बच्ची ने सर उठाया, होंठों को होंठों से लगाया, बच्ची शुरू हो गई, बाबा आपके जाने के बाद खेमों को आग लग गई, बाबा आपके जाने के बाद दामन जल गया, बाबा आपके जाने के बाद कानून बदल गया, बाबा मैं पानी मांगती थी ये तमाचे मार देते। अजादारा ने मोहतरम बच्ची ये कहते कहते, बीबी जैनब कहती हैं कि खामोशी हो गई, मैं समझी बच्ची सो गई होगी। एक तरफ बच्ची है, एक तरफ सरे इमाम हुसैन है, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजादारा ने मोहतरम सईद शहदा के एक बीमार बेटे ने उस शाम के जिंदान में अपनी बहन को दफनाया, जब बीबी जैनब अरबईन पर करबला पहुंची है, अपने भाई के अकदस मुबारक पर गिर गई और कहा भैया एक मैं अमानत लेकर गई थी, उसे वापस ना ला सकी। आज तक वो बीबी शाम के जिंदान में यही कह रही है, ऐ मेरे बाबा के जाहिर हो, अरे मैं तो अरबईन पर ना आ सकी, मेरे बाबा को मेरा सलाम।